ಮೆಗಾ ಮೀಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭಾನುಪ್ರಿಯ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಟಿಎಂಎಫ್ಐ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. इन तीनों में से एक को पीछे छोड़कर हमारा भारत भी वर्ल्ड की टॉप थ्री कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए. मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए और कोई दूसरा नहीं हो सकता है. गवर्नमेंट के बारे में मैं जरूर यह कहूंगा कि जहां तक हमारी गवर्नमेंट का प्रश्न है, गवर्नमेंट बनने के साथ ही हम लोगों ने यह विचार किया कि गवर्नमेंट की ये जो जनता की कॉमन मासेस की जो एस्पिरेशंस हैं क्या है, तो कॉमन मासेस की एस्पिरेशंस को हम लोगों ने समझा और उसी के अनुरूप हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है. कई ऐसे स्टेप्स हम लोगों ने लिए, जैसे छोटे छोटे स्टेप्स जिनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा. प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए है? जो सोसाइटी का मार्जिनल मैन है, जो समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, इस प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका सर्वाधिक लाभ यदि किसी को मिलने जा रहा है तो उसे मिलने जा रहा है नहीं बल्कि मिल रहा है, यह उसी को मिल रहा है. क्योंकि आप जानते हैं कि यदि अकाउंट उसका खुल गया बैंक में, जब भी उसको जरूरत पड़ी कि हमारे घर में किसी फैमिली मेंबर्स की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, उस गरीब आदमी के पास, वह सीधे बैंक जाएगा और बैंक से कहेगा कि हमको 10,000 रुपी का ओवरड्राफ्ट मिलना चाहिए और बैंक उसे 10,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट दे देगा. एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की भी उसमें व्यवस्था है, यानी 2,00,000 रुपए तक वह प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट खुलते ही पूरी तरह से इंश्योर्ड हो जाता है. पहले 2,000, 4,000, 5,000 रुपीज के लिए वह किसी के दरवाजे पर खड़े होकर जो है लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, याचना करता था कि हमें जरूरत है, हमें इतने पैसे की आवश्यकता है. कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, लेकिन उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है. और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जनधन योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 85 या 86 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि मैं 100 पैसा नीचे भेजता हूं लेकिन 16 पैसा ही नीचे पहुंच पाता है. अभी इस ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बनने के साथ ही एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया कि जो भी बेनिफिशियरीज हैं उन तक मिडिल मैन के माध्यम से बेनिफिट नहीं पहुंचनी चाहिए बल्कि डायरेक्ट पहुंचनी चाहिए. इसलिए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम हम लोगों ने लागू कर दिया. और आपको जानकर बेहद खुशी होगी, 4.5 ईयर्स में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के कारण जो इस कंट्री को लाभ हुआ है 1,10,000 करोड़. वीमेंस को एम्पावर करने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं. अब उन सब सारी स्कीम्स की चर्चा न करके अब जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर देने का हम लोगों ने फैसला किया है, अब तक 7,000 फैमिलीज में वह गैस सिलेंडर पहुंच चुका है. यह इंश्योर किया. फार्मर्स की कंडीशन बहुत ही पुअर है, क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी कैसे 2022 आते आते फार्मर्स की इनकम जस्ट डबल हो जाए, कई मेजर स्टेप्स लिए हैं. अब बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स हम लोगों ने लिए हैं,
लेकिन एक हाल का जो स्टेप है उसकी मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि एक इनकम सपोर्ट, उसको असिस्टेंस भी नहीं कहेंगे बल्कि इनकम सपोर्ट। वो इनकम सपोर्ट क्यों है, तो आगे जरूरत पड़ी तो इनकम सपोर्ट को हम बढ़ा भी सकते हैं। ಬಳಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ 74 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.